शहर के सभी हिस्सों में सीधा हमें की सड़कों पर बारिश के कारण बड़ी संख्या में गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके कारण एक और नागरिकों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है तो दूसरी ओर मनपा प्रशासन ने 7 महीनों में 4355 गड्ढे की मरम्मत करने का दावा किया। जिले में पिछले 11 दिनों में 118 संक्रमितों की जान चली गई है। मौत के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग प्रशासन को चिंतित कर दिया है। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कंपनी सेक्रेटरी भानुप्रिया ठाकुर ने महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की है। महीनों बाद मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हैं, ऐसे में ग्राहकों के स्वागत के लिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संचालक तैयार है। कोविड संक्रमण को देखते हुए मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशेष उपाय किए गए ताकि संक्रमण न फैले। समीपस्थ सुराबाड़ स्थित राज्य सरकार के अनकन्वेंशनल ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अब तक 50 प्रशिक्षणार्थी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सुराबाड़ ग्राम पंचायत के हद में प्रशिक्षण केंद्र है। कोविड-19 के संक्रमित निर्धारित अवधि में नहीं मिलने की स्थिति में शहर के 45 इलाकों को प्रतिबंध मुक्त करने के आदेश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने जारी किए। नागपुर में बुधवार को दिन भर काले घने बादल छाए रहे पर शाम में वो खुलकर बरसे। 24 घंटे में नागपुर में 10.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आगामी 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे। केंद्रीय प्रवेश समिति ने कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया पालक व विद्यार्थियों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। यही वजह है कि विद्यार्थियों ने अब तक प्रवेश के लिए पंजीयन नहीं करा पाए। जिन विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया उन्हें प्रवेश फॉर्म का भाग एक भरने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नागपुर जिले में बुधवार को कोविड-19 के 558 संक्रमित मिले और 15 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 7041 हो गई है, जबकि मृतकों का कुल आंकड़ा 204 हो चुका है। अवधपुरी अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन बुधवार दोपहर संपन्न हुआ। इस अवसर पर संतरा नगरी भी राममय नजर आई। गली मोहल्ले चौक चौराहे ध्वज पताका और तोरण और रंगोली से सजे थे।